यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू जिले के अंजली महादेव नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई है और बाढ़ से ब्यास नदी पर बना गौशाला गांव के लिए बनाया गया अस्थायी पुल बह गया है। और रविवार रात 3 बजे जब बाढ़ आई तो लोग सो रहे थे और नदी की ओर से आई जोर की आवाज से वो उठ गए। बाढ़ के कारण नाले में आए पत्थर और मलबे से कोठी, पलचान, रुआड और कुलंग गांव के घर हिल गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से एक दूसरे का हाल पूछा लेकिन रात होने के कारण पता नहीं चल पा रहा था कि किस नदी या नाले में ये बाढ़ आई है। बाढ़ से सोलंग के लिए नदी में बन रहे BRO के पुल को हल्का सा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से बरुआ गांव की तरफ वाली कुछ जमीन भी बह गई है और सेना के ट्रांजिट कैंप पहचान की पलचान की सड़क को भी कुछ नुकसान हुआ है। ट्रांजिट कैंप का जल स्त्रोत भी बाढ़ की भेंट में चढ़ गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन शर्मा, अंजली महादेव के नाले में बादल फटा है, क्या कोई जानमाल का नुकसान हुआ है? जी कीर्ति, जैसा कि मनाली का मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब चल रहा था जिसके चलते जो है हमारा जो पर्यटन स्थल सोलंग नाला है उसके साथ लगते जो अंजली महादेव जो पॉइंट है उसके पास जो नाला है जिसे पागल नाला भी कहा जाता है उस पे जो है बादल फटा और जो है जल जो है इतना तेजी से आया कि उसके साथ लगते जो है काफी जमीन और जो पानी की जो स्कीमें थी उसको जो है अपने साथ में जो है बहा कर ले गए। जी कितनी क्या सुरक्षा के लिहाज से आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कोई सुरक्षा के लिए एहतियात बरती है? जी जैसे कि सुरक्षा की बात हम करें जो जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने पहले ही जो हाई अलर्ट कर दिया था। जो नदी के किनारे पे लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से खाली करवाने के आदेश जो है प्रशासन ने दे दिए थे और इसके चलते जो है जान माल का कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है और ना ही ऐसी कोई सूचना है। जी कितने इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सब कुछ इस वक्त ठीक है या फिर अभी भी स्थिति खराब है? जी इस समय जो मौके पर जो है जो हमारी मनाली प्रशासन की टीम जो है रेवेन्यू की टीम पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जायजा लिया, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और जो मेन वहां पे जो है पानी की स्कीम प्रभावित हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है और उस स्कीम को कैसे बहाल किया जाए, पानी की समस्या ना आए लोगों को, उस बारे में जो है कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो कई गाँव इससे प्रभावित हुए हैं और अंजली महादेव नाले में बाढ़ आई है जिसकी वजह से आसपास के लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी कोई जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।